हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राज चौहान। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल मैप्स के न्यू फीचर के बारे में जो कि जस्ट ऐड हुआ है। इसके एडवांटेज क्या हैं, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पहले जब गूगल मैप्स में हम कोई भी रिजल्ट सर्च करते थे या कोई जैसे कि आप लोकेशन सर्च करते थे तो केवल जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे वो सपोर्ट करता था। अगर आप उसे हिंदी में अगर सर्च करते थे तो कोई रिजल्ट शो नहीं होता था। लेकिन जो न्यू फीचर आया है उसमें अगर आप हिंदी के साथ साथ 10 ऐसी लैंग्वेज है जिसे ऐड किया गया है उसमें अगर आप रिजल्ट को अगर आप सर्च करते हैं उसे आप देख सकते हैं, यानी कि वो रिजल्ट आपको शो कर देगा चाहे हिंदी के साथ। जैसे कि यहाँ पर बंगला लैंग्वेज हो गई, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और इसके साथ में मराठी लैंग्वेज है, यानी कि ये जो 10 लैंग्वेज है उसे ऐड किया है। तो ये फीचर कैसे काम करता है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये फीचर काम कैसे करता है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले जो गूगल मैप्स एप्लीकेशन है उसे आप गूगल प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिए। हो सकता है कि आपके समय ये वर्क ना करे, तो सबसे पहले इसे अपडेट कर लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे पहले हम गूगल मैप्स में आप सर्च पर कोई रिजल्ट सर्च करते थे तो केवल इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी में भी अब जो है जैसे सर्च करता हूँ तो वो मेरे को रिजल्ट दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पर देहरादून मालसी पार्क को सर्च करता हूँ तो मेरे को हिंदी में भी रिजल्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस फीचर का अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर जो 10 लैंग्वेज हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी हो गया, बंगला हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, और उड़िया, तेलुगु और मराठी, यहाँ पर ये 10 लैंग्वेज जो ऐड हुई हैं। और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि इन 10 लैंग्वेज के अलावा जो और लैंग्वेजेस हैं वो ऐड होनी चाहिए थी, तो आपके हिसाब से कौन सी ऐड होनी चाहिए थी मेरे को ज़रूर बताना। जैसे कि मेरे हिसाब से जो है गढ़वाली और कुमाऊनी लैंग्वेज को ऐड होना चाहिए था क्योंकि उत्तराखंड में जो है ज़्यादातर यही दो लैंग्वेज जो है यूज होती हैं, तो मेरे हिसाब से ये दो लैंग्वेज भी ऐड होनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस फीचर का जो एडवांटेज है वो ये है कि पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज थी केवल जो है गूगल मैप उसी को सपोर्ट करता था, लेकिन अब जो है हिंदी के साथ साथ ये 10 लैंग्वेज हैं उन्हें भी सपोर्ट करता है। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है जो कि पढ़ नहीं पाते हैं या फिर लिख नहीं पाते हैं, तो अब जो ये हिंदी के साथ साथ जो 10 लैंग्वेज है उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सी जो लैंग्वेज ऐड होनी चाहिए थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन से प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।